हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सर प्रताप शाही जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई, जनता से क्या अपील करेंगे और कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और किसी देश के इतिहास के लिए 75 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से अपील किया है कि सब अपने घरों पर स्वतंत्रता की इस आज़ादी के अवसर को धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाएं और साथ साथ में इस बात का संकल्प लें कि अगले 25 साल के लिए जो हमारे आज़ादी का अमृत काल होगा उसके लिए एक सामने लक्ष्य निर्धारित करके उसमें आगे की ओर बढ़ें। तो इस दृष्टि से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर झंडा भी लगाएंगे, साथ में जितने भी हमारे विभाग हैं उन विभागों के माध्यम से जहां जिनका रिच है उन स्थानों पर बेसिक शिक्षा के विद्यालय जो है अपने विद्यालय के बच्चों के अभिभावकों के साथ बातचीत करके उनके घरों पर, तो एक पूरा देश जो है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव का जश्न मनाए और उत्साह के साथ मनाए जिससे कि देश के भीतर एक सामर्थ्य और क्षमता उजागर हो सके। इस दृष्टि से जो है यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है और पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है। सबसे बेहतर हमारे खेल कूद के नौजवानों ने कॉमनवेल्थ गेम के भीतर प्रदर्शन करके जो स्वर्ण पदक और रजत पदक लाए हैं वो पूरे दुनिया में जो है हमारा तिरंगा लहरा गया है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। जनता तो आपके साथ है, विपक्ष के कुछ नेताओं से भी कुछ अपील करना चाहेंगे, हालांकि रामगोपाल जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। नमस्ते राकेश बाबू। तो ये थे सुर प्रताप शाही जी। साफ तौर पर कहना है कि ये एक बहुत ही अहम समय है जब हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर पे तिरंगा अभियान और तिरंगा लगाने का जो अभियान है हमारा उसको हम आगे भी और बढ़ाते रहेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मेरे दिन पांडे।